अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक 7.5 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं ऑनलाइन फ्री लेक्चर देने वाली हूं स्टूडेंट को, जहां पर वो इंटरेक्ट कर सकेंगे, टॉपिक को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इसके अलावा अगर उनको स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जैसे कि फोकस नहीं हो रहा, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, या कौन सी स्ट्रैटेजी से उनको पढ़ना चाहिए, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशन फाइंड करेंगे और स्टूडेंट को अच्छी तरह से मैं वहां पर गाइड करूंगी। अब इन लेक्चर्स का मकसद सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट को अच्छे से गाइड किया जा सके, वो अच्छे से स्टडी कर सके। इसके अलावा जो हमारी यूट्यूब पे एक छोटी सी कम्युनिटी है, इसको मजीद ग्रो किया जा सके और लोगों के साथ शेयर किया जा सके। अब उन लेक्चर्स को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ मेरी ईमेल आईडी पर एक अपने नाम का मेल करना होगा और बताना होगा कि आप उन लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी जहां से आप उस लेक्चर को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकेंगे और वहां पर इंटरेक्ट कर सकेंगे, क्वेश्चंस कर सकेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत ही ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप मजीद अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं जो आप एज अ स्टूडेंट नहीं टीचर से पूछ सकते, स्टडी के रिलेटेड नहीं पूछते, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है, याद करने पे आ रही होती है, नहीं समझ आ रही कि किस तरह से मैनेज करें, हम सिलेबस को कैसे मैनेज करें, तो हर तरह के क्वेश्चन वहां पर होंगे जिनको हम स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उन लेक्चर्स का, तो आपने उन लेक्चर्स को मिस नहीं करना। अब जल्दी से इस टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंट की बात करें तो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजीज बता दें जो कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले उसने वॉइस मेल की बात की। इसमें दरअसल आपकी वॉइस एज अ मेल हो जाती है, यानी आपकी जो वॉइस है वो कॉल लिसनर उसे सुनेगा, लिसन करेगा, उस पर रिप्लाई दे देगा, कमेंट कर देगा, जो भी उसने करना है कर देगा, उसके बाद उस मेल को वो आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है। सिंगल वॉइस मेल को जो आप ग्रुप ऑफ पीपल को भी सेंड कर सकते हैं। अब ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो कंप्यूटर में वॉइस मेल सिस्टम के लिए एक लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन होती है, तो वहां पर इनको स्टोर किया जाता है। तो वॉइस मेल क्या कर रहे हैं, ये भी आप देखें ना, कम्युनिकेट करवा रहे हैं, अगला आपका मेल सुन रहा है, उस पर कमेंट कर रहा है, आप तक दोबारा उसका रिप्लाई आ रहा है, इसी तरह उसे आगे भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। फैक्स की बात करें, जो कुछ भी आपने हैंड रिटन लिखा है, आपने ड्रा कर रखा है, उसको हम फैक्स कहते हैं। दो तरह से आप फैक्स कर सकते हैं, एक तो आप मशीन के जरिए कर सकते हैं, एक कंप्यूटर फैक्स मॉडम के जरिए कर सकते हैं। कंप्यूटर फैक्स मॉडम की बात करें तो ज्यादा बेहतर रह जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें पेपर सेव हो जाता है, आपको पेपर का प्रिंट नहीं करवाना पड़ता, डायरेक्ट ही वो कंप्यूटर फैक्स में चला जाएगा और जो मैसेज है वो स्टोर भी हो जाएगा कंप्यूटर पे। ईमेल की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे ईमेल करते हैं, आप ईमेल करेंगे, मुझे आपका नाम पता चल जाएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी कि मैंने आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया है, तब आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं और आप ईमेल के जरिए जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो इसका मतलब वो भी एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। तो ईमेल क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसमें भी आप टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, आप फाइल सेंड कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ये एक लोकल एरिया नेटवर्क में भी कर सकते हैं, यानी अगर आपने एक लैब बना रखा है जिसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी आपने परेशानी होना इस बारे में, तो उसके अंदर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप ईमेल का इस्तेमाल, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करें तो एट अ टाइम जब मैसेज सेंड रिसीव कर रहे होते हैं उसको इंस्टेंट मैसेज कहते हैं। जब दो पार्टीज ऑनलाइन हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल है, जैसे कि व्हाट्सएप है, अगर आपका दोस्त ऑफलाइन है तो सिर्फ आप मैसेज सेंड कर पा रहे हैं, वो आप उसी वक्त मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब जब वो भी ऑनलाइन होगा, आप भी ऑनलाइन होंगे, तो आप एक दूसरे से मैसेज सेंड रिसीव कर रहे हैं एट अ टाइम, सेम टाइम पे, तो उसको हम क्या कह रहे होंगे, इंस्टेंट मैसेज कह रहे होंगे। कंप्यूटर की बात कर लें, आप वायरलेस बेस इनेबल हैंडल कंप्यूटर की बात कर लें, नोटबुक कंप्यूटर की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, तो हर जगह आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट रूम की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि कोई एक रूम होगा जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे और वहां पर चैट हो रही होगी, जैसे कि ऑनलाइन चैट वगैरह हो रही होती है, तो इसको आप चैट रूम में ले सकते हैं। रियल टाइम में होगी, जैसे कि ऑनलाइन जब एक वीडियो यूट्यूब पे होती है तो नीचे चैट का ऑप्शन होता है, तो उसे आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ चैट रूम टेक्नोलॉजी है ये। न्यूज ग्रुप की बात करें तो रिटर्न फॉर्म में कुछ एक टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन की जा रही होगी, उसको हम न्यूज ग्रुप कह रहे होंगे। ये लाइव हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर एक कंजर्वेशन जो है वो लाइव नहीं है तो उसको एसिंक्रोनियस कहेंगे, अगर वो लाइव है तो उसको सिंक्रोनियस कहेंगे। और न्यूज ग्रुप उसने कहा कि लाइव कंजर्वेशन नहीं है, बल्कि एक टॉपिक होता है उसके रिलेटेड कोई ना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है। इंटरनेट टेलीफोनी की बात करें तो इंटरनेट के जरिए जब आप टेलीफोन कर रहे होते हैं एक दूसरे को, नेट इंटरनेट के जरिए आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उसको इंटरनेट टेलीफोनी या वॉइस ओवर आईपी कहा जाता है।
ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कैसे आ जाती है? ऐसे आ जाती है क्योंकि आप डाटा सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, अपनी वॉइस सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको हम इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं। कैसे होता है? यूजर स्पीक करता है, सॉफ्टवेयर ये करता है, वो करता है, इसको सिर्फ आप सिंपल एक मतलब रीड कर ले तो इनफ होगा आपके लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो वीडियो के जरिए हो रही होती है। आप एक वीडियो भी जा रही होती है, वॉइस भी जा रही होती है, अगले इंसान की भी आ रही होती है, तो इस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है बिजनेस में। जब आपको मुख्तलिफ आपकी ब्रांचेज हैं, आपने किसी और ब्रांच के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी पार्टिकल टॉपिक को डिस्कस करना है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं कह रही हूँ ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ करूंगी, ऑनलाइन लेक्चर दूंगी स्टूडेंट को, तो वहां पर क्या होगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हो रही होगी, एक दूसरे के साथ हम बात कर रहे होंगे। इसके बाद कोलैबोरेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि जब बहुत ज्यादा लोग मिलकर कोई काम कर रहे होंगे तो उनको हम कोलैबोरेशन कहेंगे, कोलैबोरेट कर रहे होंगे, एक दूसरे को एक दूसरे का डाटा सेंड कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट को रियल टाइम में, एट अ टाइम में। अगर यूजर एक को चेंज करता है डॉक्यूमेंट में तो दूसरा भी इसको समझ सकेगा, तो इसको हम कोलैबोरेशन की फॉर्म में ले आएंगे इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी। ग्रुप वेयर की बात करें तो ये भी एक एप्लीकेशन है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी? ये वहां पर इस्तेमाल होगी जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी एक टीम बना दी गई, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब जब वो ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, तो वो ग्रुप वेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगा किन लोगों के लिए, जो कि एज अ ग्रुप किसी प्रोजेक्ट या इन्फॉर्मेशन पर काम करना चाहते हैं ऑनलाइन या एक नेटवर्क के जरिए। तो इस तरह से आप ग्रुप वेयर के बारे में भी मजीद पढ़ सकते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, कि सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकेंगे, शेड्यूल कर सकेंगे कि कब कब हमने मीटिंग करनी है, इस टाइम पर करनी है, तो जो और ग्रुप में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं या लेने चाहिए, तो हर चीज को अच्छे से वो यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रुप वेयर एप्लीकेशन में। उसके बाद जीपीएस की बात करें तो इसमें सिर्फ अभी के लिए इतना समझे कि आपने डायरेक्शन वगैरह फाइंड करनी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा ग्लोबल कॉलिंग सिस्टम, यानी जीपीएस वगैरह आपको पता हर कोई इस्तेमाल करता है डायरेक्शन के लिए, लोकेशन के लिए, कोई चीज को ट्रैक करने के लिए। अब वो ट्रैक सी के अंदर भी हो सकता है, यानी समुन्द्र के अंदर कोई कश्ती है उसको ट्रैक करना है, कोई आपके पास एक कह सकते हैं गाड़ी है उसको ट्रैक करना है, या फिर एक गाड़ी है लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्शन को ट्रैक कर लूं, मैं उस लोकेशन पर पहुंच जाऊं, तो इसके लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसको इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जितना कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एज अ लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछा गया है, लॉन्ग में एज अ पार्ट पूछा गया है, यानी लॉन्ग का हाफ था ये, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी के लिए जो हमने यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को पढ़ा है, एक मरतबा मोटा मोटा हमने इसको रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अलबत्ता इतना भी बेकार नहीं है कि आप इसे पढ़े बगैर आगे चले जाएं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जीपीएस को मजीद डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, ईमेल आईडी पे, मेरी ईमेल आईडी पे जाके एक मेल लाजमी कर देना ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो उधर ग्रुप में ऐड करने के बाद हम ये मैनेज कर लेंगे कि स्टूडेंट किस टाइम पे अवेलेबल होंगे, उस टाइम पर हम फिर एक ऑनलाइन लेक्चर कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में समझना जानना जरूरी है और इसलिए उनको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।